Hey, hi everyone, this is Mayank Kotaria, and today in this video I'm going to share with you an important announcement by the institute for the people who want to convert into new syllabus and they want to give attempt in November 2018 under new syllabus. So kuch galat fehmiyan phail rahi hai market mein, galat fehmi hai logo ko. Do cheeze hai basically jo ki main aapko batana zarur chahunga. एक नोटिफिकेशन आया था इंस्टीट्यूट का, बहुत ही सिंपल मैनर में रखता हूँ आपके सामने. एक नोटिफिकेशन आया था इंस्टीट्यूट का जिसमें इंस्टीट्यूट ने ये बोला था कि जो जो लोग नवंबर 18 में न्यू सिलेबस में अटेम्प्ट देना चाहते हैं, यानी कि अभी वो ओल्ड सिलेबस में हैं और वो न्यू सिलेबस में कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो उन सारे लोगों ने 1 अगस्त 2018, प्लीज़ नोट द डेट, 1 अगस्त 2018 तक कन्वर्ट करवा लेना है खुद को न्यू सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस से. अब इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से था जो राइटिंग लिखी हुई थी और कुछ कुछ लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट भी किया जहाँ जहाँ ये पब्लिश हुआ. तो फ्यू स्टूडेंट केम टू मी, फॉर्चुनेटली आई गॉट टू नो अबाउट दिस कि ऐसा भी इंटरप्रिटेशन मार्केट में चल रहा है. उन लोगों का कहना था कि सर अब क्या सब लोगों को कंपलसरी है क्या ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में कन्वर्ट करवाना. लोगों को ये लग रहा था कि अब ओल्ड सिलेबस तुरंत नया नोटिफिकेशन आया है, ओल्ड सिलेबस इस अटेम्प्ट से बंद हो जाएगा एंड एवरीबॉडी हैज टू कन्वर्ट इनटू न्यू सिलेबस. ऐसा बिल्कुल नहीं था. अच्छा, कुछ कुछ लोगों का ये कहना था कि ये अनाउंसमेंट फेक है बिकॉज हमने देखा वेबसाइट पे और अनाउंसमेंट नहीं दिख रही है. तो ये दो चीज़ें थी जो गलतफहमी थी. मैं आपको सही से बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ. एक चीज़ अनाउंसमेंट इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, फेस पे नहीं है, मैं बता दूंगा एग्जैक्टली कहाँ पे, तो आप भी विजिट करके एक बार क्लैरिफाई कर सकते हैं. सेकंड थिंग, जो लोग न्यू सिलेबस में अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनको कन्वर्ट करवाना ज़रूरी है न्यू सिलेबस में. इफ़ यू वॉन्ट टू गिव अटेम्प्ट अंडर ओल्ड सिलेबस ओनली, देन स्टे एज इट इज़, लाइक डोंट डू एनी थिंग. आप नवम्बर 18 में ओल्ड सिलेबस में ही अटेम्प्ट दोगे, बट कंपल्सरी नहीं है सबको कन्वर्ट करवाना. इफ़ यू विश यू कैन कन्वर्ट. लेट्स हैव अ लुक ऑन द नोटिफिकेशन. सो 23 मई 2018 को ये नोटिफिकेशन आया जिसमें इंस्टीट्यूट ने ये चीज़ लिखी थी. चलो मैं आपको वेबसाइट पे बता देता हूँ एग्जैक्टली आपको कहाँ मिलेगा. लेट्स गो टू द वेबसाइट. थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन था लोगों में. अब देखो, बहुत लोगों ने क्या किया ना, अनाउंसमेंट हर बार यहाँ पे आती है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत लोगों ने चेक किया, अनाउंसमेंट तो सर है ही नहीं, यानी कि ये जो जो न्यूज़ फैली है मार्केट में किसी ने फोटोशॉप एंड ऑल दैट करके मार्केट में फैलाया है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इंस्टीट्यूट ने अनाउंसमेंट कहाँ दिए मैं आपको बताता हूँ. आप हर बार की तरह यहाँ पे जाओगे स्टूडेंट्स में, ठीक है. स्टूडेंट्स में जाने के बाद आप जनरली कोई भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल एक्सेस करने के लिए यू गो टू द बोर्ड ऑफ स्टडीज़ नॉलेज पोर्टल. इसके नीचे एक और टैब है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ अनाउंसमेंट. गए इसके बाद में आप इसको थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पे एक और लिंक है इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की. अब इसके अंदर जाते हैं और सबसे पहले वाली जो एज ऑफ नाउ जो है नोटिफिकेशन, वो है कट ऑफ डेट फॉर कन्वर्जन फ्रॉम अर्लियर स्कीम टू रिवाइज्ड स्कीम. ध्यान दे रहे हो, फ्रॉम अर्लियर स्कीम टू रिवाइज स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है. एंड दिस इज़ द एलिजिबिलिटी टू अपियर इन नवंबर 2018 एग्जामिनेशन. अब मैं ध्यान से पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना, पहला वाला पार्ट तो कुछ काम का नहीं है. स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू नोट दैट दे नीड टू कन्वर्ट देमसेल्फ लेटेस्ट बाय 1 अगस्त 2018. ये चीज़ ध्यान में रखना, 1 अगस्त 2018 इज़ द लास्ट डेट इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट. अब से स्टेटमेंट ऐसे फ्रेम किया गया, वो ऐसा बता रहा है कि स्टूडेंट्स को ये एडवाइस किया जाता है कि उनको कन्वर्ट करवाना ज़रूरी है 1 अगस्त 2018 के पहले न्यू सिलेबस में, फ्रॉम अर्लियर स्कीम टू रिवाइज स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2017. अब ध्यान दो, यहाँ तक तो स्टेटमेंट का मीनिंग यही निकल रहा था कि आप स्टूडेंट्स को कन्वर्ट कराना ज़रूरी है न्यू सिलेबस में. अब मेन मुद्दा है, टू अपियर इन फाउंडेशन इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जामिनेशन अंडर रिवाइज स्कीम टू बी हेल्ड इन नवम्बर 2018. मतलब अगर आपको अपियर करना है नवंबर 18 में न्यू सिलेबस में, तो आपको 1 अगस्त के पहले, 1 अगस्त तक मैक्सिमम आपको कन्वर्ट कराना ज़रूरी है. नीचे में ये लिखा गया है कि अगर आप 1 अगस्त के बाद में कन्वर्ट करवाते हैं तो न्यू सिलेबस में कन्वर्ट ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन आप नवंबर 18 आपका अटेम्प्ट नहीं रहेगा न्यू सिलेबस का, आपको मई 19 से न्यू सिलेबस का अटेम्प्ट देने मिलेगा. नीचे देखो, द स्टूडेंट्स हु विल बी कन्वर्टिंग आफ्टर 1 अगस्त 2018 will not be eligible to fill the exam form and appear for respective examination in November 2018
अंडर रिवाइज स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो मेक इट सिंपल, फाइनली नोटिफिकेशन का मतलब यही है। एक तो नोटिफिकेशन है, मैंने आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे बताया। सेकंड थिंग, जो गलतफहमी थी लोगों में, सबको कन्वर्ट नहीं कराना। अगर आपको नवंबर 18 में न्यू सिलेबस में देना है तो आप कन्वर्ट करवाओ 1 अगस्त 2018 के पहले। सो ये चीज़ ध्यान में रखना, लास्ट मोमेंट के लिए नहीं मत रखना ये सब चीज़ें। बहुत बार फिर हड़बड़ी होगी और आप नहीं करवा पाओगे। मैंने बहुत बार देखा है लोग एग्ज़ाम फॉर्म टाइम पे फिल करना भूल जाते हैं, एंड दैट कॉस्ट यू 6 मंथ्स, एंड दैट इज़ आई थिंक बिग। सो ये था। अच्छा, एक और चीज़ दिमाग में आ रही होगी कि सर हमने क्या न्यू सिलेबस में कन्वर्ट करवाना चाहिए क्या, स्पेशली फॉर सीए फाइनल पीपल। ओल्ड सिलेबस का पेपर सर थोड़ा टफ आया था, तो न्यू सिलेबस का इजी इजी था, हमने न्यू सिलेबस में कन्वर्ट करवाना चाहिए क्या? दिस क्वेश्चन इज़ ट्रिकी। किसी किसी के लिए हाँ है, किसी किसी के लिए ना है, बट अगर आप पढ़ सकते हो, अब डिपेंड करता है। ग्रुप 2 में तो जैसे DT IDT आई थिंक सेम है, एंड इलेक्टिव पेपर है तो आपको वो पूरा पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, एंड कॉस्टिंग में QT हट गया है तो QT पूरा पढ़ना पड़ेगा अगर आपका ग्रुप 2 है तो। एंड अच्छा, मेरे हिसाब से मैं फ्रैंकली बताता हूँ, अगर आपको कन्वर्ट करवाना है तो यू कैन गो अहेड विद दैट। मतलब आपको लगता है कि यार ठीक है, मैं थोड़ा सा ही चेंज है, पढ़ लूँगा, तो यू कैन गो अहेड विद दैट, बट टाइम बहुत कम है अभी, और सारी बुक्स लेके आनी पड़ेगी, नई बुक्स लेके आनी पड़ेगी, बीच बीच में छोटी छोटी चेंजेस हैं। तो क्या होगा ना, चेंजेस कम है लेकिन आप ढूंढ नहीं पाओगे तो सारे के सारे, तो वो एक मेस क्रिएट हो जाएगा। सो इट्स बेटर अगर आपका अभी ओल्ड सिलेबस है, कंटिन्यू विद द ओल्ड सिलेबस। अगर नवंबर 18 है तो मई 19 वालों ने तो कन्वर्ट करवा लो, अगर कन्वर्ट करवाना है तो इट्स बेटर, ठीक है। एंड इफ़ यू फील इट्स ऑल ओके। देखो, एक चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है जो और एक मिथ मार्केट में चल रहा है कि सर ओल्ड सिलेबस वालों को, ओल्ड सिलेबस से जो अटेम्प्ट देंगे उनकी वैल्यू कम रहेगी, न्यू सिलेबस से जो अटेम्प्ट रहेंगे देंगे उनकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई आपको ये नहीं पूछने वाला सीए बनने के बाद में कि आपने ओल्ड सिलेबस में दिया कि न्यू सिलेबस में दिया। यू विल गो फॉर द जॉब, यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड यू विल गेट अ जॉब इफ़ यू क्लियर द इंटरव्यू। सो दैट इज़ इनफ फॉर द डे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट पोस्ट इन द कमेंट, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट जस्ट विद इन 2 डेज ऑफ अपलोडिंग दिस वीडियो। बाय बाय।